शनपुर शहर के रामबाग फॉरेस्ट मैदान पर मुस्लिम प्रीमियर लीग प्रतियोगिता चल रही है। चंद्रपुर के रामबाग फॉरेस्ट ग्राउंड पर मुस्लिम प्रतियोगिता लीग MPL सीजन 3 शुरू है, जिसमें मुस्लिम समाज के बांधों का समावेश है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन पहला मैच टीपू वॉरियर एवं चंद्रपुर लायंस के बीच खेला गया, जिसमें टीपू वॉरियर की ओर से वसीम शेख, शोएब तथा परवेज ने अच्छी बल्लेबाजी की। इस मैच में टीपू वॉरियर्स ने चंद्रपुर लायंस को पराजित किया। इस मैच के मैन ऑफ द मैच शोएब को दिया गया। इस प्रतियोगिता के संबंध में कमेटी के सचिव आर्किटेक्ट वसीम शेख ने हमारे संवाददाताओं को जानकारी दी। MPL सीजन 3 हम ले रहे हैं और तीसरा हमारा ये सक्सेसफुल सीज़न इंशाल्लाह होगा। और पिच हमने इस बार बहुत ही अच्छी बनाने की कोशिश की है, और इसके पहले जो दो मैचेस कल हुए थे वो दोनों ही मैचेस बहुत ही हाई स्कोरिंग मैचेस थे, अच्छे स्कोर हुए था। जो सेकंड मैच हुआ था वो तो लगभग थ्रिलर था, लास्ट ओवर थ्रिलर के हिसाब से था। अभी भी जो स्कोर बना है 110 वो बहुत ही अच्छा स्कोर है। हमें लगता है कि हम लोग इस मैच में पूरी तरह से बने हुए हैं और इंशाल्लाह हम ये मैच ज़रूर जीतेंगे। अच्छा वसीम, मुझे बताइए, जैसे ये टूर्नामेंट विशेष रूप से आपके मुस्लिम बांधवों के लिए कैसा एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया है जिले में? जी बिल्कुल, एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें हम लोगों ने एक हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लड़कों को जोड़ने की कोशिश की है, किसी और रीज़न की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की वजह से। ये प्लेटफॉर्म हमको किसी और चीज़ के लिए नहीं, सिर्फ एज अ क्रिकेटर करके हमको यूज़ करना है। यंग टैलेंट जो बहुत सारे गाँव में बहुत सारे जगहों पर छुपा होता है, हम लोग नहीं खेल पाते, पहचान नहीं हो पाती हम लोगों की एक दूसरे के साथ, तो ये सब चीज़ें उन सब चीज़ों को जोड़ने के हिसाब से हमने ये MPL टूर्नामेंट लिया है। तथा नागिनाबाग एवेंजर्स के ओनर शाहिद ने इस स्पर्धा के उद्देश्य के बारे में बताया। ये MPL सीजन 3 है ये, और इसके बाद में जो MPL जो ऑर्गेनाइज हुआ, ये आयोजन इतना बेहतरीन हुआ कि जो प्रतिभा हमारे कौम के लड़कों में थी, जो एक छोटे मोटे ग्राउंड पे खेला करते थे, आज MPL के थ्रू ये आज एक बड़े मैदान पे आकर खेलने की अपना जो अंदर में जो उनकी शैली है वो आके बाहर निकाल के बताने के लिए उनको आज ये MPL मिला। और ऐसे बहुत से लड़के हैं जो जानते नहीं थे, हम पहचानते नहीं थे, वो आज बेहतरीन क्रिकेट खेल के नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और मुझे लगता है कि ऐसा आयोजन होना चाहिए ताकि अच्छे लड़के का जो खेल है जो बाहर आए और ऐसे मैदानों पे दिखे। इस प्रतियोगिता के दौरान CTV न्यूज के संवाददाता वैभव रायकर मौजूद थे। इस स्पर्धा में टीपू वॉरियर्स, चंद्रपुर लायंस, नगीनाबाग एवेंजर्स, बिनबाज पाटन, गुटकाला पैंथर्स, तुकुम टाइगर्स, दादमहल MZR टाइटन्स, जटपुरा राइडर्स टीमें भाग ले रही है। दूसरे दिन का दूसरा मैच नगीनाबाग एवेंजर्स तथा जटपुरा राइडर्स के बीच खेला गया। निर्धारित समय पर दोनों भी टीमों का स्कोर बराबरी का रहा और रोमांचकारी सुपर ओवर में नगीनाबाग एवेंजर्स ने जटपुरा राइडर्स को पराजित किया। CTV न्यूज के लिए वैभव रोयरकर के साथ तंत्र निर्देशक शैलेश गणवीर की रिपोर्ट।